वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। मेरे साथ आज एक पेशेंट है जिनके एंकल में इंजरी लगी थी इस पाँव में। देखने में तो मुझे इसमें भी लग रहा है क्योंकि स्किन ऐसी थी। सो इस पाँव में चोट लगी थी। अगर आप दोनों पाँव को कंपेयर करेंगे, ये पाँव पतला है, ये पाँव मोटा है, और आज इनका ये फोर्थ सेशन है, राइट? यस सर। है ना, तो अभी भी लिम्प है और पाँव में जो बताया गया था, जो हमने देखा था, वो मेल्यूलाई के आसपास इंजरी थी और इसी पे हम इनका रिहेबिलिटेशन दिखा रहे थे बट हम इस वीडियो में आपको सिर्फ टेपिंग दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से अगर आपको कोई भी इंजरी लगे, मेनिस्कल इंजरी हो, लिगामेंट इंजरी हो, किस तरह से रिजिड टेपिंग आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है कंपेयर टू प्लास्टर। प्लास्टर हम यूजली सिर्फ और सिर्फ बोन फ्रैगमेंट इंजरीज यानी कि हड्डी टूटने वाली इंजरीज पे ही करते हैं। अगर आपको लिगामेंट इंजरीज हो तो आप रिजिड टेपिंग कुछ इस तरह का होता है, इसमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ आती हैं जो प्लास्टर से भी ज़्यादा अच्छे से टाइट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह होता है कि पूरा पाँव को कवर नहीं करना पड़ता, हीलिंग बहुत फास्ट होती है और स्वेलिंग वगैरह भी बहुत कम आती है, यानी कि मसल वेस्टिंग नहीं हो पाती। मसल वेस्टिंग की वजह से आज जो ये सफ़र कर रहा है 5 हफ्ते बाद, ये सफ़र नहीं करता। इससे पहले मैंने कई बार 100 लोगों पर ये चीज़ें की हैं और जो उनका रिकवरी पीरियड है वो 10 से 15 दिन 20 दिन रहता है। डेफिनेटली अगर वो स्पोर्ट्समैन है तो उसका जो भी ADLs होंगे या दूसरी चीज़ें होंगी वो बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है। बट अगर प्लास्टर बांध दिया जाए तो आप देख सकते हैं दोनों की मोबिलिटी और स्ट्रेंथ में कितना फर्क आता है। या एंकल चलाना, चलाओ चलो ऊपर नीचे। देखें कि ये पूरा चल नहीं रहा, तो अब जो इसका ट्रीटमेंट रह जाता है वो है स्ट्रेंथ लाना, मोबिलिटी लाना। और इसकी पहली टेपिंग हमने की थी 3 दिन के लिए की थी। आज बीच में एक दिन रेस्ट दिया था ताकि स्किन को ब्रीथ करने का टाइम मिल सके। ये चीज़ आपको प्लास्टर में कभी नहीं मिलती कि एक बार प्लास्टर चढ़ा दिया तो 4-6 हफ्ते जिस पार्ट के लिए जितना भी ज़रूरत है उतना लगाए ही रहता है, क्योंकि उस वक्त हड्डी को भी आप एक दिन के लिए भी रेस्ट नहीं देते। लेकिन अगर आपको लिगामेंट इंजरीज है, जैसे इसके केस में कोई भी बोन इंजरी नहीं थी, मोस्ट प्रोबेबली सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज ही थी, तो अगर हमें पता चलता या हमारे पास आता तो हम इसको टेपिंग ही करते और 1 हफ्ते में एक टेपिंग ज़रूर चेंज करते, जिससे ये 2 हफ्ते या 2.5 हफ्ते के आसपास पूरी तरह से रिकवर हो जाता। आज मैं आपको टेपिंग दिखा रहा हूँ। ऑफकोर्स मैं यहाँ पर सारी चीज़ें स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर रहा, प्री रैप की जगह मैं कॉटन टेप यूज़ करता हूँ। प्री रैप आप सबको पता है महंगा ही होता है और हम यहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट से टेपिंग के चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लेते, पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ही होता है, वरना अदरवाइज हम प्री रैप यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड रिजिड टेप यूज़ करेंगे तो वी विल हैव टू चार्ज। सो हम थोड़ा सा लाइटर सस्ती चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को हमें चार्ज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी तरह का जब ये रोल आता है, करीब 2 से 3 मीटर का होता है, वो हम अप्रॉक्सीमेटली 10 पेशेंट्स पे चार्ज यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना किस तरह से लगा रहे हैं, टाइट लगा रहे हैं, हार्ड लगा रहे हैं। और ये तो सस्ता आता है, कितने का आता है ये? 10 रुपये का आता है। वहीं पर अगर प्री रैप यूज़ करते हैं तो प्री रैप की कॉस्ट और रिजिड टेप की कॉस्ट बराबर हो जाती है और बहुत सारे लोग इसके लिए ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट जितना ही चार्ज करते हैं। ये हमारा सस्ता टिकाऊ तरीका है ताकि पेशेंट से हमें चार्ज ना करना पड़े। तो प्री रैप का काम ये बिल्कुल ठीक करता है। प्री रैप सिर्फ इसीलिए यूज होता था कि स्किन को हम बचा सकें, स्किन पे डायरेक्टली रिजिड टेप्स नहीं लगाए जाते, रिजिड टेप्स की जगह लोग प्री रैप्स यूज करते हैं। हाँ, अगर कोई पेशेंट बोलेगा कि उसको प्रॉपरली सारी चीज़ें करनी है तो डेफिनेटली वी कैन यूज ऑल दोज थिंग्स जो हमने स्टार्टिंग में लाइफ में बहुत यूज़ किए हैं। Then even 5 years back, 6-7 years back, हम per taping charge at least 2,000 to 3,000 जरूर लेते थे because we would also like to make some money. अब हम नहीं करते because बहुत कर लिया। आप सबको भी पता होगा कि आज भी बहुत सारे लोग उसका के टेप का बहुत चार्ज करते हैं, हम भी पहले चार्ज करते थे, अब भी हम कई सालों से हमने उसका भी चार्ज करना बंद कर दिया क्योंकि हम काफ़ी सारी टेप्स सस्ते ले लेते हैं। हाँ, किसी को रोल खरीदना हो देन दे कैन बाय इट ईदर फ्रॉम अस और थ्रू ऑनलाइन। इसमें काफ़ी सारे टाइटनेस के हिसाब से टेप्स आते हैं, ये माइल्ड या लाइटर एडिसिव के साथ है ताकि
हम इसको हर 3 दिन में 4 दिन में चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा एडिसिव वाला टेप यूज करते तो वो हमें वीक या 10 डेज यूज करना ही पड़ता है। तब भी आता है इसको फोड़ता है। तो इस तरह से हम इसके 2 एंकर लगा देंगे। पहले एक ये एंकर हो गया, देखिए शिवरिंग की निशानी का मतलब है फटीक। अभी हमने इनकी मसाज की है और थोड़ी सी रिलीज किया है और मसल फटीक हो चुकी है। हाँ, अगर ये फर्स्ट डे आता तो मैं इस पे बिल्कुल एक्सटेंसिवली वही यूज करता जिसमें इसकी बिल्कुल 0 मोबिलिटी होती है और 1 रोल से ज्यादा यूज करता है एक पेशेंट पे। ये इसका सिर्फ पर्पस इस वक्त सपोर्ट देना ही है, इसके अलावा इस टेप का इस वक्त कोई और पर्पस नहीं है। तो मैं पूरी तरह से एंकल को कवर भी नहीं करूँगा, सिर्फ उतना ही कवर करूँगा जितना की जरूरत है। पेनफुल है थोड़ा सा ना। आपको डायरेक्शन ऑफ यूज ये देखना है कि अगर आप अंदर की तरफ मिडिल मेले लाई की तरफ रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से घुमाएंगे, और अगर आप उस तरफ टाइट करना चाहते हैं तो आप दूसरी डायरेक्शन में घुमाएंगे। और कॉटन बैंडेज जहाँ पे भी जितनी भी एक्स्ट्रा है इसको हम बाद में काट देंगे, क्योंकि नरेंद्र इस बार ज़्यादा बड़े साइज का कॉटन टेप लेना है। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपको या किसी को भी चोट लगे तो प्लीज़ टेपिंग पे भी ध्यान रखें। इसको पट्टी लगाना ही बोलते हैं और ये दुनिया की सबसे पुरानी तरीका है हीलिंग का। प्लास्टर तो बहुत बाद में आया बट किसी न किसी तरह से लोग टेपिंग ज़रूर यूज़ करते थे और हीलिंग का ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।